আগরতলায় এসে পৌঁছল করোনার টিকা। বুধবার ইন্ডিগোর বিমানে টিকা এসে পৌঁছায় রাজ্যে। আগামী 16 জানুয়ারি থেকে ত্রিপুরায় শুরু হবে কোভিডের টিকাকরণ। তার আগে বুধবার সকালে কোভিড ভ্যাকসিন এসে পৌঁছায় আগরতলায়। গোর্খাবস্তিতে করা হয়েছে স্টোরেজ সেন্টার। রাজ্যে প্রথম দফায় প্রায় 45,000 স্বাস্থ্যকর্মীকে ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। त्रिपुरा स्टेट में 56,500 वैक्सीन आए हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन आ गया है। अभी हम उसको काउंट करके जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट से व्हीकल्स आएंगे सिक्योरिटी के साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आज ही भेज देंगे। हम अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं, 16 तारीख को बस हम लोग लॉन्च हो। अभी 56,500 आया है, 56,500 वैक्सीन आया है। 16 तारीख को लॉन्च में 15 सेशन साइट होगा पूरे स्टेट में। डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आज डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे, डिस्ट्रिक्ट से कोल्ड चेन पॉइंट तक वो लोग कल तक कर देगा। आइस पैक्स में आया है, टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो वहाँ से हमारे इंसुलेटेड वैन्स होते हैं इस प्रकार के, जैसा हमने देखा अभी। उसके अलावा अभी आइस पैक में है तो वो 72 आवर्स तक उसमें रह सकते हैं। सभी डिस्ट्रिक्ट्स ने अपने गाड़ियों का अरेंजमेंट कर लिया है, रूट प्लान बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 3 रात।